फ्रेंड्स, मेरे बॉस ने मुझे डेटा भेजा जो आपकी स्क्रीन पर है और मुझे बोला, अमित 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक मीटिंग स्टार्ट होनी है। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स बाहर से आ रहे हैं और उनको ये डेटा दिखाना है मुझे, राइट। बट ये डेटा एज इट इज नहीं दिखाना, मुझे इसका कुछ रिपोर्ट बना के दिखाना है, एक अच्छी सी रिपोर्ट मुझे बना के दे दे। 10 मिनट का टाइम मुझे दिया है फ्रेंड्स। इतना बड़ा डेटा है जिसके अंदर कंपनी के सेल्स की फिगर है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट मंथ के, फाइनेंशियल ईयर की, अलग अलग लोकेशन की, राइट। बी टू बी या बी टू सी है, मतलब होलसेल है, रिटेल मेरी सेल हुई है, कौन सा प्रोडक्ट कोड कितने की सेल और कितने का मार्जिन, राइट, ये सारा डेटा फ्रेंड्स मेरे पास है। बट 10 मिनट के अंदर फ्रेंड्स एक मेरे को रिपोर्ट बना के दे दी है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे 10 मिनट में अपने बॉस को एक ऐसी रिपोर्ट बना के दे दूं कि वो खुश हो जाए, राइट। तो फ्रेंड्स, यस, देयर इज पाइवट अवेलेबल इन एक्सेल। यस फ्रेंड्स, पाइवट को यूज करके आप इजीली बढ़िया सी रिपोर्ट बना सकते हैं, क्विकली रिपोर्ट बना सकते हैं और इजीली अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइवट के ऊपर, राइट। पाइवट को हम लोग देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर फ्रेंड्स जिन लोगों ने कॉर्पोरेट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है या कॉर्पोरेट ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, राइट, और एक्सेल का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो 5 वीडियोस फ्रेंड्स मेरी सीरीज की आपकी काफी हेल्प करने वाली है। 4th वीडियो है ये उस सीरीज का पाइवट के ऊपर। लास्ट 3 वीडियोस में बना चुका हूं, जो इससे पहले वीडियो था वो था वीलुकअप के ऊपर, राइट। फ्रेंड्स, अगला वीडियो जो होगा वो डिफरेंट प्रिंटिंग एंड पेज सेटअप ऑप्शन से रिलेटेड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, 5 वीडियोस की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सो डेट फ्यूचर के सारे वीडियोज और इस सीरीज के भी सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। सो फ्रेंड्स, डेटा आप लोगों के सामने, पाइवट टेबल क्रिएट करना है, अगले 5-10 मिनट के अंदर अंदर मुझे बॉस को ये रिपोर्ट बना के देनी है। तो चलो जी, पाइवट बनाते हैं फ्रेंड्स। डेटा है, डेटा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्या है, एग्जैक्टली सेल्स का डेटा है, राइट। एक मुझे पाइवट टेबल, एक रिपोर्ट बनानी है। तो फ्रेंड्स, सिंपल मुझे क्या करना है पाइवट टेबल बनाने के लिए, पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाने के लिए, इसकी एक समरी रिपोर्ट बनाने के लिए, सो डेट उस रिपोर्ट को देख के क्विकली मेरी ये समझ में आ जाएगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, किस तरफ कंपनी जा रही है, राइट। तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इस सिंपल इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। डेटा को फ्रेंड्स मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है पाइवट टेबल का, आप यहां से इंसर्ट के अंदर से पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स एक शॉर्टकट की है Alt DP, ये राइट हैंड साइड पर शॉर्टकट की लिखी हुई है Alt DP, आप ये शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड का लिंक दे रखा है, वहां से आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, मुझे सिंपल डेटा को सिलेक्ट करना है और शॉर्टकट की भी मैं यूज कर सकता हूं Alt DP, मैं Alt DP, मैंने Alt DP यूज किया। यहां पर फ्रेंड्स ये आपको कुछ ऑप्शन दिखाता है, राइट। मेरे को अभी इन ऑप्शंस पे कुछ नहीं जाना है अभी, जैसे जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, पहले 3 ऑप्शन है अलग अलग, उसमें से पहला बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बाद में 2 है बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको एज इट इज रखना है। और सिंपल फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, इसको फिनिश कर देना है, फिनिश कर देना है। एक बार नेक्स्ट करके भी दिखा देता हूं क्या देगा। नेक्स्ट अगर करता हूं तो फ्रेंड्स ये रेंज मेरे से पूछता है, रेंज क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली थी पाइवट टेबल बनाने से पहले, तो मुझे दोबारा रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने पहले सेलेक्ट नहीं किया है तो मैं यहां से दोबारा उसको सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट। मैं नेक्स्ट करूंगा तो फ्रेंड्स ये मेरे से पूछता है कि जो पाइवट टेबल बनानी है वो न्यू वर्कशीट पे बनानी है या एग्जिस्टिंग। अगर मैं कुछ नहीं बताता हूं डायरेक्ट, अगर मैं पहले नेक्स्ट ना करके फिनिश कर देता तो वो नई पे ही बनाता, मतलब जो रिपोर्ट बनानी है वो नई शीट पे बनानी है। ऑब्वियसली बहुत कम हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिस शीट पर डेटा है उसी शीट पर मुझे रिपोर्ट बनानी है, हमेशा मैं रिपोर्ट जो बनाता हूं एक नई शीट पे बनाता हूं, तो न्यू वर्कशीट, ठीक है जी। उसके बाद मेरे को फिनिश कर देना है, मैंने फिनिश किया तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसने एक नई शीट इंसर्ट कर दी, शीट 1, राइट। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रेंड्स आप देखेंगे एक छोटा सा प्लेस होल्डर आ गया जहां पर आप अपनी पाइवट टेबल बनाएंगे। राइट हैंड साइड पर फ्रेंड्स आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। अलग अलग जो आइटम है, मंथ, फाइनेंशियल ईयर, लोकेशन, ये आपका जो डेटा है इसके हेडिंग है, आपके डेटा के जो हेडिंग थे वो सारे हेडिंग फ्रेंड्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। नीचे आपको एक 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू, रो। ये 4 कॉलम क्या है फ्रेंड्स, ये 4 बॉक्स क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, राइट। क्या रिपोर्ट बनानी है, सबसे पहले बेसिक सी बात करते हैं। मेरे को एक रिपोर्ट चाहिए कि मेरे इस डेटा के अंदर, राइट, मुझे क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए इस चीज का जी, मेरे इस डेटा के अंदर जितनी भी लोकेशन है उन सारी लोकेशन की लोकेशन वाइज सेल क्या है। दिल्ली की टोटल सेल कितनी है, जयपुर की टोटल सेल कितनी है, सूरत की टोटल सेल कितनी है, मुंबई की टोटल सेल कितनी है, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे को लोकेशन वाइज सेल चाहिए। मैं सिंपल फ्रेंड्स क्या करूंगा, मैं यहां पर लोकेशन को पिक करूंगा, लोकेशन को पिक करूंगा और क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, कहां, इन 4 बॉक्स में से कहीं पर, कहां ड्रॉप करूंगा वो समझ लेते हैं। तो कहां पर ड्रॉप करने से क्या होगा, अगर मैं इस लोकेशन को रोज में ड्रॉप करता हूं, ध्यान देना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो क्या कर रहा है ये, मेरे को यहां पर ये 4 लोकेशन दे देता है, आप देखेंगे यहां पर मेरे को 4 लोकेशन दे देता है,
मतलब मेरी डेटा के अंदर चार लोकेशन थी, चारों की मेरे को यूनिक वैल्यू दे देता है, ठीक है जी। तो मेरे को वर्टिकली इसने बता दिया कि चार आपकी लोकेशन है। अगर मैं इस लोकेशन को यहां ड्रॉप ना करके कॉलम में ड्रॉप करता, कॉलम में ड्रॉप करता, तो मेरे को ऊपर हेडिंग दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, तो रिपोर्ट मेरे को किस तरह से चाहिए मैं उसके बेसिस पे कहां ड्रॉप करना है वो डिसाइड करूंगा। मैं दोनों को यूज करके आपको रिपोर्ट बनाकर दिखाऊंगा, राइट। तो पहले हम इसको कॉलम की जगह रो में यूज करेंगे, तो मैं कॉलम की जगह रोमर ले आता हूं, राइट। तो मेरे पास यहां पर वर्टिकली आ गया। देन मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, लोकेशन वाइज सेल, टोटल मेरी सेल, ये जो मेरी सेल है, सेल को मुझे कहां ड्रॉप करना है, वैल्यूज, वैल्यूज में फ्रेंड्स मेरे को वो आइटम ड्रॉप करनी है जिनका मुझे कैलकुलेशन चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, या कुछ डिफरेंट टाइप की मुझे कैलकुलेशंस करनी है। तो जनरली वो नंबर होंगे, नॉर्मली वो आपके नंबर होंगे, बट कई बार आप नंबर के अलावा कुछ और फील्ड भी वैल्यू में यूज कर सकते हो, राइट, कर सकते हो। तो मुझे यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे यहां पर सेल्स को ड्रॉप करना है वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज में मैंने ड्रॉप किया, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसने मेरे को सेल बता दिया। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं, ये कोमा पे मैंने क्लिक किया और इसके डेसिमल हटा दिए, राइट। बेसिक फॉर्मेटिंग का पार्ट था, इसी सीरीज की वीडियो वन में मैंने ये सारी चीजें बताई है कैसे आपको ये करना है, राइट। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर ये इसके नंबर की फॉर्मेटिंग कर दी, अब थोड़ा क्लीन दिख रहा है मेरे को डेटा। दिल्ली की कितनी सेल है पता चल गया जी, जयपुर की कितनी सेल है मुझे पता चल गया। आप बोलेंगे यार ये तो मैं सम के थ्रू भी कर सकता था, सम इफ के थ्रू भी कर सकता था। फ्रेंड्स सम इफ के थ्रू कभी भी रिपोर्ट में कोशिश करना कि आप फॉर्मूले कम से कम यूज करो जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है। फॉर्मूले में फ्रेंड्स सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप फॉर्मूला जब लगाओगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पे लगाओगे कि 5 सेल 10 सेल आपका डेटा ज्यादा निकल गया आगे, तो आपको फिर कॉपी करना पड़ेगा, राइट। दूसरा आपका फॉर्मूला मान लो डेटा अगर बड़ा हो जाता है और मान लो कॉलम आपके बढ़ जाते हैं, तो फॉर्मूले के ऊपर डेटा क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, राइट, दिक्कत आएगी आपको, राइट। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और फिर प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, रिपोर्ट जब आप बनाते हो और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर मेरे को इसके साथ प्ले करना है, प्ले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फॉर्मूले के साथ प्ले करना पॉसिबल नहीं होता है या बहुत मुश्किल होता है, जबकि पाइवट में आप बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं। कैसे, अभी दिखाऊंगा आपको, सैंपल दिखाऊंगा, मजा आएगा, राइट। एंड फ्रेंड्स मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, राइट। और अभी भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यहां पर भी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो सम ऑफ सेल मुझे चाहिए, सम ऑफ प्रॉफिट भी, तो मेरे को यहां से प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन जो है मेरा, मेरे को यहां वैल्यू में ड्रॉप कर देना है। सेल के बाद, सेल के बाद मैंने ड्रॉप किया, तो मार्जिन मेरा सेल के बाद मेरे को दिख गया। अगर मेरे को सेल से पहले करना है तो मैं इसको यहां से ड्रॉप उठाऊंगा और सेल से पहले ड्रॉप कर दूंगा, सेल से ऊपर, राइट। तो मेरा यहां मार्जिन पहले आ जाता है, राइट। मेरे को फ्रेंड्स नाम में यहां ग्रॉस मार्जिन की नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मैं यहां मैनुअली लिख सकता हूं प्रॉफिट, और यहां पर मेरे को सेल चाहिए, टोटल सेल, ये मेरा टोटल सेल, तो मैनुअली में टाइप कर सकता हूं, ठीक है जी। अब मेरे को फ्रेंड्स यहां पर क्या चाहिए, मेरे को यहां पर यह देखना है जी, मेरी जो दिल्ली, जयपुर, मुंबई की, सूरत की सेल हुई है, राइट, वो B2B B2C क्या है, डेटा के अंदर चलते हैं जी। B2B B2C मतलब होलसेल और रिटेल, B2B होलसेल हो गया, B2C रिटेल हो गया। टोटल होलसेल की कितनी सेल है और रिटेल से मेरी कितनी सेल है, मुझे वो चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, B2B B2C को लोकेशन के नीचे ड्रॉप कर देना है। लोकेशन के नीचे जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूं, आप देखेंगे दिल्ली की टोटल सेल पता चल गई जी मेरे को। इसमें B2B कितना है, ये है जी, B2C कितना है, ये है। सिंपल फ्रेंड्स, पिक एंड ड्रॉप कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, राइट, बिल्कुल आसान है। मेरे को B2B की सेल पता चल गई, B2C की सेल पता चल गई। मैं कहता हूं जी B2B B2C को हेडिंग में दिखा दो, ऊपर हेडिंग में, रिपोर्ट का थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूं मैं, तो क्या करूंगा, B2B B2C को यहां से पिक करूंगा और यहां ऊपर कॉलम्स में ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरे को दिल्ली की B2B कितना है, B2C कितना है, ठीक है जी। और टोटल सेल B2B B2C, प्रॉफिट पता चल गया, और यहां पर टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल, राइट, समरी भी पता चल गई। तो मेरे को फ्रेंड्स इस तरह से भी डेटा दिखा सकता है, या मेरे को इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है B2B B2C का, मैं चाहता हूं मेरे को B2B का प्रॉफिट दिखाओ और टोटल सेल दिखाओ, यानी कि ऊपर B2B दिखाओ और प्रॉफिट और सेल यहां आनी चाहिए, फिर यहां B2C दिखाओ उसका प्रॉफिट और सेल, इस तरह से देखना। मतलब मैं किस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, दैट आई कैन डिसाइड, राइट। और प्ले करना, जो मैंने बोला फॉर्मूले के साथ आप इतनी स्पीड से प्ले नहीं कर सकते, बट पाइवट के अंदर आप कर सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, इस B2B को, ये वैल्यूज जो आ रही है ना, इसके ऊपर ड्रॉप करना है। वैल्यूज के ऊपर मैंने B2B को ड्रॉप किया, तो B2B मेरा ऊपर चला गया, प्रॉफिट और टोटल सेल, B2B की टोटल प्रॉफिट और सेल, B2C का टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट टोटल सेल, प्ले करना आसान है, राइट। यहां पर फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि मेरे को फाइनेंशियल ईयर वाइज भी बता दो, राइट। तो मैं फाइनेंशियल ईयर को भी ले आता हूं और लोकेशन के ऊपर ड्रॉप कर देता हूं। सपोज पहले मैं फाइनेंशियल ईयर को देखना चाहता हूं, मैं लोकेशन के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। लोकेशन के मैंने ऊपर ड्रॉप किया, तो 2018 में मेरी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की क्या सेल थी, जिसमें मेरा B2B से कितना प्रॉफिट और सेल आया, B2C से कितना प्रॉफिट और सेल आया, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल कितना आया,
सब मेरा पता चल गया। सेम वे 1920 में मेरा कितना था, तो फ्रेंड्स डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का। अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, इफ आई हैव डेटा अवेलेबल विद मी, आई कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट एंड इट इज नॉट पॉसिबल विद एनी फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो सोचते रहोगे, बार बार आप चेंज ही करते रहोगे। मेरे को प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, मुझे 5-10 मिनट मिलते हैं। उस 5-10 मिनट के अंदर मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, राइट? मुझे अब जो मैं बोलना चाहता हूं अपनी बात को 5-10 मिनट के अंदर उन सब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। बेस्ट वे इज यूज पिवट टेबल। फ्रेंड्स सैंपल आप लोगों के सामने है, सैंपल आप लोगों के सामने है। फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और थोड़ा सा आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं, राइट? तो डेटा प्ले हो सकता है इजीली, वो आपको समझ में आ गया, आप जो कॉलम में रो में रखना चाहते हैं। एक फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन और है, वो और दिखाता हूं आपको, फिल्टर। सपोज फ्रेंड्स जो मैंने यहां पर फाइनेंशियल ईयर यूज किया, मैं फाइनेंशियल ईयर को यहां नहीं यूज करना चाहता, मैं क्या कर सकता हूं, फाइनेंशियल ईयर को फिल्टर में डाल सकता हूं। मैंने फिल्टर में ड्रॉप कर दिया तो आप देखेंगे फ्रेंड्स एक ऊपर ऑप्शन आ गया फाइनेंशियल ईयर फिल्टर का। अभी क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये सारे फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिखा रहा है मेरे को, जितना भी डेटा था। मैं यहाँ फिल्टर से भी डिसाइड कर सकता हूँ कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखना है। मेरे को 18-19 का देखना है, मैंने 18-19 को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके कर दिया तो फ्रेंड्स अब मेरे को 18-19 का डेटा दिखा रहा है। 18-19 की जगह मेरे को 19-20 देखना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, राइट? आप मल्टीपल आइटम, सपोज यहां पर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर होते, मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने हैं तो आप यहां सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, तो अब यहां पर जो जो आपको सेलेक्ट करने हैं आप उस पर टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपको उनका दिखा देगा, ठीक है जी? चलो जी इसको ऑल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स यहां से मैं आपको चीजें क्लीन करूंगा जिससे मैं आपको कुछ इसका एडवांस्ड फीचर्स दिखा पाऊं, राइट? तो यहां से फ्रेंड्स मेरे को ये फाइनेंशियल ईयर फिल्टर में नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉफिट यहां पे नहीं चाहिए, राइट? तो हमारे पास क्लीन डेटा आ गया B2B B2C। इस B2B B2C को भी हटा देते हैं। लोकेशन वाइज फ्रेंड्स मेरे पास सेल आ गई। अब आपने देखा मैं कितनी फटाफट से जो आइटम नहीं चाहिए थे हटा दिए, जो चाहिए मैं ले आया, ठीक है? फॉर्मूला के थ्रू पॉसिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करना, क्योंकि उस लाइक के बटन से ही मुझे पता चल पा रहा है कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, राइट? आप चाहे तो यहां पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए जी, तो फ्रेंड्स क्या करना है यहां पर, मेरे को रिक्वायरमेंट मेरी फ्रेंड्स ये है कि मैं टोटल सेल तो देखना चाहता हूं, मैं ये भी देखना चाहता हूं मेरी एवरेज सेल कितनी है, राइट? मेरी हो सकता है इसके अंदर मेरे 20 सेल हुई हो, 25 सेल हुए हो, दिल्ली से मेरी 25 सेल हुई है टोटल, राइट? 25 अलग अलग इनवॉइस कटे हैं, राइट? 25 अलग अलग आइटम गए हैं, मेरी एवरेज सेल कितने की है मैं वो देखना चाहता हूं। कैसे देखूंगा मैं फ्रेंड्स एवरेज सेल देखना चाहता हूं, मैं किसी भी आइटम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, किसी भी आइटम पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन होता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में फ्रेंड्स यहां पर जाऊंगा, इस विंडो पे आप ध्यान दीजिएगा, टोटल सेल पहला आइटम क्या है, सम। नंबर के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट सम उठा लेता है जो इसने दिखाया। अगर आप इसको सम की जगह कुछ और चाहते हैं जैसे एवरेज, बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स इसके अंदर, काउंट, मैक्स, मेन, प्रोडक्ट, अपनी तरफ से खुद ट्राई कीजिएगा, थोड़ा हिट एंड ट्राई कीजिएगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, बट कुछ कुछ मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है? तो एवरेज, मैंने एवरेज किया, ओके किया, तो इसने मेरे को बता दिया जी एवरेज सेल कितनी है, ठीक है जी? कितनी टोटल सेल हुई है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं मुझे वो पता लगाना है। अगेन मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, सेम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा और मैं यहां पर काउंट पे क्लिक कर दूंगा, काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मुझे देखने हैं। ओके, मैंने ओके किया, 218 टोटल 218 ट्रांजेक्शन हुए हैं दिल्ली से, जयपुर से 224 ट्रांजेक्शन हुए हैं, राइट? मुझे फ्रेंड्स ये तीनों आइटम देखने हैं, मुझे एवरेज भी देखना है, मुझे काउंट भी देखना है, मुझे टोटल सेल भी देखनी है। कैसे देखूंगा फ्रेंड्स, मैं सिंपल यहां पर क्या करूंगा, सेल को दोबारा पिक करूंगा, सेल को दोबारा पिक करूंगा और यहां ड्रॉप करूंगा। बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स क्योंकि नंबर है सम दिखा रहा है, तो मेरे को सम मिल गया, काउंट मिल गया, एक एवरेज सेल और चाहिए। दोबारा से फ्रेंड्स मैं इसको सेल को पिक करूंगा और यहां पर ड्रॉप करूंगा, जितनी बार मुझे कैलकुलेशन के लिए कॉलम चाहिए मैं उतनी बार इसको यहां पर ड्रॉप कर लूंगा। मेरे को एक और सम पता चल गया, लेकिन ये सम नहीं चाहिए मुझे, एवरेज चाहिए। राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, एवरेज, ओके, लो जी आ गया एवरेज, राइट? मुझे सबसे पहले सम दिखाना है, उसके बाद मुझे एवरेज दिखाना है और उसके बाद काउंट दिखाना है। तो फ्रेंड्स यहां से मैं कॉलम्स को ऊपर नीचे ड्रैग कर सकता हूं, जैसे मुझे सबसे ऊपर क्या दिखाना है, सम ऑफ सेल, मैं सेल को यहां से पिक करके ऊपर ड्रॉप करूंगा तो यहां सम ऑफ सेल आ गया। फिर मुझे एवरेज दिखाना है तो मैं यहां से भी फ्रेंड्स इस तरह का जब एरो आता है, या आप देखेंगे 4 साइड एरो बना है, इस एरो को भी आप सेलेक्ट करके आगे लेके जाएंगे तो यहां से आप कॉलम शिफ्ट कर सकते हैं। तो एवरेज, हेडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हेडिंग के आपको नाम चेंज करना है, वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, राइट? मेरे को फ्रेंड्स परसेंटेज दिखानी है, परसेंटेज क्या दिखानी है, मेरे को सम ऑफ सेल जो है इसमें परसेंटेज दिल्ली की कितनी परसेंटेज है,
जयपुर की कितनी, मुंबई की कितनी, सूरत की कितनी परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज दिखानी है टोटल सेल का। तो मुझे कैसे करना है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर सम का एक और, सेल का एक और कॉलम इंसर्ट कर लेना है। लास्ट में मेरे पास आ गया, यहाँ मैं परसेंटेज दिखाऊंगा कैसे, किसी भी आइटम के ऊपर राइट क्लिक, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर जाना है वैल्यू फील्ड सेटिंग में। और वैल्यू फील्ड सेटिंग में फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या देखा था, समराइज वैल्यू बाय, समराइज वैल्यू बाय के अंदर मुझे ये सम काउंट एवरेज जो आप लोगों ने यूज किया, बट अब मुझे क्या यूज करना है, मुझे शो वैल्यू एज यूज करना है। शो वैल्यू एज के अंदर मेरे पास नो कैलकुलेशन आ रहा है, यहां पर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो फ्रेंड्स यहां पर बहुत सारे तरह के ऑप्शन होते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो, आप कॉलम के हिसाब से, रो के हिसाब से, अलग अलग, इसको प्लीज ट्राई करना एक बार खुद से, राइट, सब तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, राइट। मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो आपको इसने ये भी बता दिया जी कि दिल्ली से मेरी जो टोटल सेल आई है वो 26% दिल्ली से है, 38% मेरी जयपुर से सेल आई है, 16% मुंबई से है, सूरत से 18% है। इसमें भी मुझे ये देखना है B2B का कितना है, B2C का कितना है, तो अगेन मैं B2B B2C को लोकेशन के नीचे ड्रॉप कर दूंगा। तो इसने मेरे को ये बता दिया जी दिल्ली की B2B B2C, राइट। फर्दर मुझे और एनालाइज करना है फ्रेंड्स, मैं यहां से आइटम पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूं जो हमने शुरू में किया था, राइट फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स सारे फंक्शंस थे जो पाइवट के बारे में थे। पाइवट के बारे में फ्रेंड्स और काफी कुछ है जो हम लोग सीख सकते हैं, राइट, बट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सेपरेट पाइवट के ऊपर मैं और वीडियो क्रिएट कर दूंगा, राइट, कोई ना कोई सेशन और क्रिएट कर दूंगा जिसमें आप लोग पाइवट के बारे में और डिटेल में सीख सकते हैं, राइट। ये फ्रेंड्स सीरीज थी बिगनर्स के लिए, जिन लोगों ने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया या ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स, 5 वीडियो की सीरीज, 4th वीडियो पाइवट के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो प्रिंट ऑप्शन, पेज सेटअप ऑप्शंस, जिसमें प्रिंटिंग पेज सेटअप से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज जो अवेलेबल है, फीचर्स अवेलेबल है, वो एक्सेल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो पे लाइक का बटन है उसको जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। Thank you friends, thank you for watching, thank you.